खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। सीएम नीतीश की चुनावी सभा, कहा पूरा बिहार हमारा घर है, चुनाव के बाद हम फिर आपके बीच आएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने मधेपुरा के बिहारीगंज की चुनावी सभा में कहा कि हम आगे भी आपकी सेवा करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। हमारा धर्म है कि आपकी सेवा करना, पूरा बिहार ही हमारा घर है। चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव ने ली चुटकी, कहा चुनाव के बाद फिर बीजेपी में मिल जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहरसा जिले के महिषी के बलुआहा स्थित लहटन चौधरी इंटर महाविद्यालय के प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने राजद प्रत्याशी डॉक्टर गौतम कृष्ण के समर्थन में महती जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान पर तीखा प्रहार किया और कहा कि चुनाव के बाद फिर से बीजेपी में मिल जाएंगे। अब केवल इतिहास के पन्नों में ही रह जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बोले लोजपा प्रत्याशी संजय कुमार सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान का भव्य कार्यक्रम आगामी 5 नवंबर को सिमरी बख्तियारपुर में होने जा रहा है। सभी नेताओं के निशाने पर मुख्यतः सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार के सुशासन तथा विकास की बातों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के द्वारा लूट को लेकर सभी नेताओं ने उन्हें अपने निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में तैनात जवानों की हो रही कोरोना जांच, सहरसा के पटेल मैदान में तैयारी पूरी। दूसरे चरण के मतदान के बाद अब आखिरी चरण के मतदान के लिए राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार में गरजते दिखाई देंगे। चुनाव प्रचार को लेकर मंगलवार को सहरसा के पटेल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली की तैयारियां शुद्ध स्तर पर चल रही है, जहां मंच के साथ साथ आम लोगों के बैठक के लिए भव्य आधुनिक पंडाल का निर्माण किया गया है, तो वहीं SPG के जवान सुरक्षा मानकों की जांच कर रहे हैं। पटना में फूड विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में नकली मिठाई का खेप बरामद। त्योहार के मौसम आते ही खाद्य पदार्थों में मिलावट और मिठाइयों की कालाबाजारी का धंधा काफी जोर शोर से चलने लगता है। इस पर लगाम लगाने के लिए आज फूड विभाग ने छापेमारी शुरू की है। इस छापेमारी के तहत आज पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र के एक मिठाई कारखाने में छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में नकली मिठाई का खेप बरामद हुआ है। शिक्षकों के वेतन के लिए 1512 करोड़ रुपए स्वीकृत। बिहार में 2.74 लाख टीचर्स का होगा भुगतान। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत बिहार के शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 1512 करोड़ 94 लाख रुपए आवंटित किए हैं। बिहार के पंचायत और नगर निकाय अंतर्गत संस्थानों के कार्यरत शिक्षकों और एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय के कार्यरत शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के रूप में कार्यरत 2,74,681 शिक्षकों का भुगतान किया जाएगा। बिहार में फिर मिले कोरोना के 577 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,18,118। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है।
इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 577 लोग कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 218,118 हो गई है। बिहार में फिलहाल 8,014 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। मुंगेर पुलिस फायरिंग की जांच के लिए एसआईटी गठित, टीम में एसपी और 2 डीएसपी शामिल। मुंगेर पुलिस फायरिंग केस की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है। जांच का जिम्मा एसपी और 2 डीएसपी को दी गई है। जांच कर रिपोर्ट देंगे। फायरिंग में प्रयोग किया गया पुलिस के हथियारों की भी जांच होगी। हथियारों की जांच एफएसएल की टीम करेगी। उसके बाद पुलिस फायरिंग में जिस युवक की मौत हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मिलान किया जाएगा। बिहार चुनाव के अंतिम चरण में गर्मा सकता है लव जिहाद का मुद्दा। ओवैसी और योगी आए आमने सामने। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण की वोटिंग कल यानी मंगलवार को होगी, लेकिन अंतिम चरण के मतदान के ठीक पहले बिहार चुनाव में कई सियासी मुद्दा गर्म होने वाला है। दूसरे चरण में बीजेपी ने राम मंदिर से लेकर धारा 370 तक को चुनावी एजेंडे में शामिल किया, लेकिन अब लव जिहाद का मुद्दा भी बिहार चुनाव में दिखाई दे सकता है। सीमांचल के इलाके में तीसरे चरण के अंदर 7 नवंबर को मतदान होगा। सीमांचल में मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा है और यह धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए लव जिहाद जैसे मुद्दे को गरमाने की कोशिश हो सकती है। लालू के लालों को जेडीयू ने बताया लंपट। अजय आलोक बोले, राघोपुर और हसनपुर की महिलाएं रहें सावधान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के ठीक पहले राजनीतिक बयानबाजी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी तक जा पहुंची है। लगातार नेता एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत हमले बोल रहे हैं और इसी कड़ी में जनता दल यूनाइटेड ने लालू के दोनों लाल पर तीखा प्रहार किया। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को लंपट बताया है और कहा है कि इन दोनों लंपटों से हसनपुर और राघोपुर की महिलाएं सचेत रहने की जरूरत है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।